धमतरी छत्तीसगढ़ के माकरदोना गांव की सरस्वती को जिंदगी पहाड़ का बोझ सी लगती थी। गरीबी में गुजर बसर यूं भी मुश्किल होता है। उस पर टीबी से पति की मौत हो गई। सरस्वती जंगल से लकड़ी काटती हैं, टोकरियां बीनती हैं, क्योंकि बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। पर सूनी आंखों में था एक और सपना, क्या कभी पक्का घर भी होगा अपना। और एक दिन किस्मत का बंद दरवाजा जैसे खुल गया, सरस्वती को अपना पक्का घर मिल गया। ये सब कुछ हो पाया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के चलते, जिसने सरस्वती की जिंदगी में नई मिठास भर दी है। एक 1,35,000 मिला घर बनाने के लिए, 60,000 मैंने अपना भी लगाया, पक्का घर बना है। और अपन नौकरी वगैरह कमाई तो इसका जिंदगी सुधरेगा। गरीब से गरीब और आम आदमी रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता है, पर एक सपना वो जरूर देखता है। सपना ये कि सर पर पक्की छत हो, अपना पक्का मकान हो। एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं, इस दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं। सामान्य व्यक्ति के मन की एक इच्छा होती है, कहीं भी रहता हो, यार अपना एक घर हो तो अच्छा। हर किसी की इच्छा रहती है, लेकिन उस गरीब की इच्छा पूरी नहीं होती। और कोई गरीब मरने के बाद अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देना नहीं चाहता है। गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को गरीबी विरासत में देकर के जाना नहीं चाहता है, वो भी उसको कुछ देकर के जाना चाहता है। सरकार ने सपना देखा। यही वो भाव था जिससे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शुरू की। आज इस योजना का लाभ उठाकर देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों का अपने घर का सपना पूरा हो गया है। जब तूफान आता था तो मेरा घर का सामान यहाँ से वहाँ गिर जाता था, मैं कहाँ से भेगा करूँ ये मुझे नहीं पता चलता था। फिर अब तो आया तब पक्का मकान बन गया, अब बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे गंगरेल गांव के गोपाल भी हैं और बेलर गांव की किन्नर पंच बी भी। पंच बी का नाम आवास योजना के लाभार्थियों में आया, इसकी सूचना उन्हें पंचायत में मिली, फिर बैंक खाते में सरकारी मदद का पैसा आया और पूरे गांव ने मिलकर पंच बी का घर बनाया। पुराना घट न घलता बड़ दुख भोगी है, कहाँ कहाँ गली गली पूरा पानी में तकलीफ पाए पाए कि हम जीवन ल बिताए साहब। तब कथन का कैसे ऐसे भटकन कैसे हो गए भगवान के कि सोचथन चे अभी तक सोचथन का कर वहाँ जाना वहाँ आना वहाँ जाना, कहाँ दुख कहाँ सुख तो लगे छे साहब। हम भी इंसान है तो इंसान देख प्यार से देखिए प्यार से बात कैसे जरा जा। गोपाल अगरबत्ती बनाकर अपना गुजारा करते हैं। उनके मिट्टी के कच्चे मकान में एक दिन आवास मित्र आए, कुछ पूछताछ हुई और फिर गोपाल को पक्के मकान के लिए सरकार से मदद मिल गई। ठीक 50 साल पहले 1971 के आम चुनावों में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा लगा था। देश तो बचा रहा, बचा रहेगा, पर गरीबी हटी नहीं, बढ़ती गई।
क्योंकि गरीबी नारों से नहीं हटती, गरीबी सौगात बांटने से कम नहीं होती, गरीबी हटती है गरीबों को ताकतवर बनाने से। गरीबी से मुक्ति का मार्ग सौगातें बांट करके नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्यवान बनाने से हो सकता है। काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन देश का भला गरीबी की मुक्ति में ही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भारत में गरीबों के लिए योजनाएं नहीं बनी, ऐसा भी नहीं है कि गरीब कल्याण के लिए सरकारी खजाने खोले नहीं गए। योजनाएं बनी, खजाने भी खोल दिए गए, पर ये पैसा गरीब के घर तक नहीं पहुंच पाता था, पैसा बिचौलियों और दलालों में बट जाता था। ये बात खुद देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार की कि दिल्ली से एक रुपया चलता है पर गरीब तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि गरीबों को सशक्त बनाना है तो दिल्ली से चली पाई पाई गांव तक पहुंचनी चाहिए, गरीब के घर तक पहुंचनी चाहिए, पर कैसे? आजादी के 7 दशक बाद भी देश की 1/3 से ज्यादा आबादी के पास बैंक में खाता भी नहीं था। होता भी कैसे, जो गरीब मुश्किल से 2 वक्त की रोटी है कमाता, वो पैसे कैसे बचाता, भला बैंक कैसे जाता? जिस देश में गरीबी हटाना बरसों तक बस एक नारा था, वादे थे दावे थे पर गरीब तो कदम कदम पर हारा था, मेहनत से वो डरा नहीं दिन रात बहाया पसीना, आखिर कौन चाहता है गरीबी में पैदा होकर गरीबी में ही जीना? सौगात नहीं मांगी उसने तो मांगी थी बस हिम्मत, मेहनत और पसीने की एक एक बूंद की पूरी कीमत। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी में पले हैं भाई। माँ को धुएं से आजाद कराना था, सपना था अपना एक घर भी बनाना था और बैंक में खाता भी तो खुलवाना था। मिलिए सोनभद्र के उमेश कुमार से, मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं पर अब कुछ कुछ पैसा भी बचाते हैं क्योंकि आज इनके पास है जनधन खाता। पहले हम लोग खुलवाने के लिए परेशान थे, खुल भी नहीं रहा था, पैसा दे रहे थे फिर भी नहीं खुल रहा था, लेकिन अब खुल गया है तो हम लोग के सुविधा है कि सरकारी सुविधा भी मिल जा रहा है और क्या बोलते हैं पैसा भी हम लोग रख रहे हैं उसमें जमा कर सकते हैं और उसका ब्याज भी मिल रहा है हम लोगों को। गरीबों को बैंकों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ जन धन योजना शुरू की। जिन लोगों ने कभी बैंकों का मुंह तक नहीं देखा था, एक ही दिन में ऐसे 1.5 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुल गए और खुलते ही गए। जनधन योजना में अब तक 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुल चुके हैं, इनमें आधे से ज्यादा बैंक खाते महिलाओं के हैं। ये जनधन खाते कैसे महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, ये जानने के लिए मिलिए नेहा जायसवाल से। उत्तर प्रदेश की नेहा का जनधन खाता खुला तो इनके सपनों को जैसे पंख मिल गए, पाई पाई जोड़ी, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया। जनधन खाता खुलवाने के बाद हमें काफी सहयोग मिला है, जिससे दुकान खोलने में काफी सहयोग मिला, तो दुकान के वजह से हम अपना रोजगार बढ़ा रहे हैं। जनधन खातों ने सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की सेंधमारी पर रोक लगा दी और आज इन खातों के जरिए 320 सरकारी योजनाओं का पैसा
सीधे गरीब के पास पहुंच रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन से अब तक 17.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लाभार्थियों के पास पहुंच चुकी है। ये सुशासन की एक ऐसी मिसाल है जहां गरीब को दिया पर अमीर से कुछ लिया नहीं, बस सरकारी खजाने और गरीब के बीच से बिचौलियों को हटा दिया। हालांकि जब जनधन योजना की शुरुआत हुई तब ये कहकर इसका मजाक उड़ाया गया कि गरीबों के जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का फायदा ही क्या है, लेकिन देश के गरीबों ने अपनी ताकत दिखाकर तमाम आलोचकों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि आज इन खातों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हो चुकी है। आज करोड़ों गरीबों का बैंक में खाता है, खाते में पैसा भी डाला है। सपनों के घर ने जिंदगी में इंद्रधनुषी रंग भर डाला है और माँ की जिंदगी में उजाला है। अमीर से कुछ लिया नहीं पर गरीब को उसका हक दे डाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बहुत बड़ी विशेषता है उसका इंद्रधनुषी स्वरूप। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंग होते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों के भी अपने ही रंग है। अब गरीब को सिर्फ घर ही नहीं मिल रहा है बल्कि घर के साथ साथ शौचालय भी मिल रहा है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन भी मिल रहा है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन, उजाला का एलईडी बल्ब, पानी का कनेक्शन, सब कुछ घर के साथ ही मिल रहा है। कुछ साल पहले की ही तो बात है जब देश में अमीरों को भी एलपीजी गैस के सिलेंडर के लिए हफ्तों पहले बुकिंग करानी पड़ती थी, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता था, या फिर गैस का सिलेंडर ब्लैक मार्केट में खरीदना पड़ता था, और गरीब के घर में माँ चूल्हे पर लकड़ी जलाकर धुएं के बीच खाना बनाती थी। एक गरीब माँ के बेटे को इस दर्द का एहसास है। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। देश की करोड़ों गरीब माओं के लिए 1 मई 2016 का दिन ऐतिहासिक तारीख बन गया जब नरेंद्र मोदी ने चूल्हे के धुएं से आजादी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। एक बार फिर इस महत्वाकांक्षी योजना में नरेंद्र मोदी के सेवा और सुशासन की छाप दिखाई दी। गरीबों को मुफ्त गैस का सिलेंडर देने के लिए प्रधानमंत्री ने देश के सक्षम लोगों से अपील की कि वे चाहें तो स्वेच्छा से गैस के सिलेंडर पर मिलने वाली अपनी सब्सिडी छोड़ दें। प्रधानमंत्री की अपील पर देखते ही देखते 1 करोड़ लोगों ने एलपीजी पर अपनी सब्सिडी छोड़ दी, जिसका मतलब है सरकारी खजाने में हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत। लोगों की इस दरिया दिली का फायदा मिला गरीब महिलाओं को। आज उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ गरीब महिलाओं को बिना एक भी पैसा दिए एलपीजी का सिलेंडर मिला है। पहले तो लकड़ियों की भी दिक्कत होती थी और ईंधन की, मतलब दूर दूर से लाते थे, और अब तो फिर भी ये है कि सिलेंडर है।
सिलेंडर पे बना के कभी भी दे दो अपने बच्चों को खाना, ना कहीं बरसात में जाने की जरूरत ना कहीं आने की जरूरत। या अपने घर में कैसे भी बनाओ कैसे भी नहीं। पहले हमें बहुत परेशानी होती थी जब हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, धुएं, छोटे छोटे बच्चे, तो इसलिए अब हम दोपहर में खाना आराम से बनाते हैं और आराम से खाते हैं, बच्चे भी। बीते 7 सालों में गरीबों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ये आया है कि अब उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिकारियों और बाबुओं की चिरौरी नहीं करनी पड़ती, योजनाएं खुद लोगों तक पहुंच रही हैं। बीते 7 सालों में जो देश भर में हो रहा है, इसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने प्रदेश में गरीब कल्याण मेले की शुरुआत की। इस मेले में तमाम सरकारी अमला पहुंचता था और हाथों हाथ गरीबों को कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाता था। कोई गरीब छूटे नहीं, इसलिए अधिकारियों को गरीबों तक पहुंचने के लिए टारगेट दिए जाते थे। बरसों पहले जिन गरीबों को गरीब कल्याण मेले में गुजरात सरकार की योजनाओं के फायदे मिले, उनकी जिंदगी ही बदल गई है। मिलिए गुजरात के लोहार महेश भाई और शिल्पा बेन से। महेश भाई को गरीब कल्याण मेले में वेल्डिंग की किट मिली, जिससे उनकी कमाई दोगुनी हो गई और शिल्पा बेन को इस सिलाई मशीन ने आत्मनिर्भर बना दिया। जो वेल्डिंग पेटी ये सब इसलिए धंधे के लिए, और मैं अच्छे से जीता हूँ और मेरा परिवार खुशहाली में है और मैं खुशी से जीता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मोदी साहब को साफ-साफ धन्यवाद। गरीब कल्याण मेले में मैंने ये फॉर्म भरा और मुझे मशीन दिलवाई, मुझे मशीन मिला और मैं अच्छा काम कर रही हूँ और इस काम करने से मैं महीने में 5,000 आवक कमा लेती हूँ। मेरे परिवार में खूब सारी खुशियाँ आई है। बदलाव की ऐसी कहानियों से देश बदल रहा है, गरीब की जिंदगी बदल रही है। कभी जिन्हें सपने देखने में भी डर लगता था, आज वही लोग सपने भी देख रहे हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए भी देख रहे हैं। पटना की संगीता कुछ साल पहले तक नौकरी करती थी, वेतन बहुत कम था। सपना देखा कि क्यों ना अपना कुछ काम शुरू किया जाए, पर कैसे, ना पूंजी थी ना कोई मददगार। फिर एक दिन अखबार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी मिली, हिम्मत जुटाई और मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन दे दिया। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से जब झटपट लोन मिला तो संगीता की खुशी का जैसे ठिकाना ही ना था। मुद्रा योजना से मिले लोन से साइकिल का व्यवसाय शुरू किया। कभी नौकरी करने वाली संगीता आज 3 लोगों को रोजगार दे रही हैं। 2 लोग हैं जो मिस्त्री का काम करते, 1 लोग है जो पंचर बनाते हैं, 3 मजदूर मेरे पास है जिसका सैलरी भी अच्छा खासा है। एक कोई 11,000 रुपये महीना मिलता है, एक को 9,000 रुपये महीना मिलता है, एक को 7,000 मिलता है और हमको इस बात की खुशी है कि मेरे वजह से 3 लोग जो है कुछ कमा रहे हैं और कमा के आगे बढ़ रहे हैं। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है उन गरीब और साधारण लोगों को जिनके पास कुछ कर गुजरने का हौसला तो है पर पूंजी नहीं। मुद्रा योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं और कुल 16 लाख करोड़ रुपए इस लोन की धनराशि है। आजादी के बाद भारत में गरीबों के जीवन में सबसे मुश्किल दौर तब आया जब कोरोना के कारण दुनिया थम सी गई। जीवन को बचाना था, इसलिए जरूरी लॉकडाउन लगाना था। खाने के लिए रोज कमाने वाले लोगों के सामने संकट था, कमाएं क्या, खाएं क्या। पर प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था
कि संकट चाहे कितना बड़ा हो, देश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। और फिर ऐलान हुआ दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त अनाज योजना का, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया। इस योजना के तहत बीते 19 महीनों से 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आज मिला है सब, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, या पहले से अभी बहुत खुशहाल खुशी से लेते हैं, आते हैं, खाते हैं, रहते हैं। बोलता है बहुत अच्छा है, मोदी सरकार हमको राशन देता है, इसे हम परिवार भरण पोषण कर लेते हैं। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी मुफ्त अनाज योजना को चला पा रहा है, तो इसके पीछे भी सुशासन का मंत्र ही है। खाद्य सुरक्षा योजना देश में पहले भी थी, लेकिन सभी जरूरतमंदों तक उनके हिस्से का अनाज नहीं पहुंच पा रहा था। 2014 के बाद तकनीक का इस्तेमाल करके करोड़ों फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए और गरीब तक उसके हक का अनाज पहुंचने लगा। ऐसे बदलाव हर क्षेत्र में हुए हैं और हो रहे हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना शुरू हुई, तो बीमारों को सस्ती दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ऐसे लाखों करोड़ों लोग जिन्हें इन योजनाओं का फायदा मिल रहा है, उनकी भावनाएं समझनी हो तो उत्तराखंड की दीपा साहा को सुनिए। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था, आपके द्वारा जन औषधि दवाइयां मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयां जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीयत साफ और इरादे मजबूत हों, सत्ता अगर सेवा और सुशासन के मंत्र को आत्मसात कर ले, तो हर बदलाव मुमकिन है।